नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, 148 सड़कें और 200 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की ऊंची चोटियों सहित लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला जिले के ऊपरी भागों में हिमपात हुआ है। वहीं से प्रदेश में शीतलहर फिर से बढ़ गई है। मनाली में भी बर्फबारी हो रही है, वहीं राजधानी शिमला में भी बारिश हुई है। वहीं ताज़ा बर्फबारी से ऊंचाई वाले भागों में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी से 148 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। राज्य में 200 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 130 सड़कें बंद हैं। चंबा में 9 सड़कों पर आवाजाही ठप है। इसी तरह चंबा जिले में 137 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। कुल्लू में 53 व शिमला में 9 ट्रांसफार्मर बाधित हैं। 1350 करोड़ के घाटे में चल रहा HRTC कैसे खरीदेगा इलेक्ट्रिक बसें, अफसरों के फूलने लगे हाथ पांव। आर्थिक संकट से जूझ रही सुखू सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की बात कर रही है। 1350 करोड़ के घाटे तले दबा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कैसे करेगा, इसको लेकर अफसरों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की बसें परिवहन निगम खरीद भी ले, लेकिन इससे कारोबार बढ़ना संभव नहीं है। वहीं डीजल बसों में जितनी सवारियां यात्रा करती हैं उतनी ही क्षमता इलेक्ट्रिक बसों की भी है। दूसरी ओर सरकार ने निगम के बेड़े में शामिल करीब 3200 डीजल बसें चरणबद्ध तरीके से बदलकर इलेक्ट्रिक बसें लेने की घोषणा की है। परिवहन निगम पहले ही घाटे में चल रहा है, सरकार की वित्तीय स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। वहीं ऐसे में बैंकों से ऋण लेकर निगम इलेक्ट्रिक बसें खरीद भी ले तो 1 करोड़ की बस खरीदने पर डीजल बस से करीब 3 गुना किस्त लौटानी पड़ेगी। अधिकारी बताते हैं कि सरकार के पास मामला भेजा गया है कि इलेक्ट्रिक बसें निगम खुद खरीदे या वेट लीजिंग में खरीद की जाए। वेट लीजिंग में निजी क्षेत्र की भागीदारी रहेगी और लाभांश HRTC को भी मिलेगा। हिमाचल के अस्पतालों में अब 2 साल तक के बच्चों को रोजाना टीकाकरण की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक के बच्चों को मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों में रोजाना टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। अभी तक सप्ताह में सिर्फ बुधवार को बच्चों को टीकाकरण की सुविधा मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय टीकाकरण शेड्यूल में परिवर्तन किया है। इसके चलते बच्चों को रोजाना पात्रता के अनुसार OPV, IPV, RVV, MR, इसके अलावा DPT और बूस्टर का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय से प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय अस्पतालों में 0 से 2 साल तक के पात्र बच्चों का रोजाना टीकाकरण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। CM बनने के बाद पहली बार ज्वालामुखी पहुंचे सुखू, बोले पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा को करेंगे विकसित। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुखू आज पहली बार शक्तिपीठ ज्वालामुखी में मां ज्वाला के दरबार पहुंचे। CM का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत किया। ज्वालामुखी मंदिर पहुंचने पर CM को पुजारी वर्ग की ओर से माता की चुनरी भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह मोदी भवन शयन भवन में पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान पुजारी दिव्यांशु भूषण, धर्मेंद्र शर्मा, अभिनव शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा और एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहां पहुंच सके। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में गर्जी कांग्रेस, प्रदेश भर में किए प्रदर्शन। हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए। शिमला में कांग्रेस ने SBI मुख्य शाखा के पास प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी सोलन ने SBI के सोलन कार्यालय के सामने केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं को ध्वस्त करने की नीतियों, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के खिलाफ और अडानी समूह की ओर सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग पर संयुक्त जांच समिति की मांग को लेकर धरना दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
अभिभावकों को झटका, किताबों के बाद स्कूल वर्दी के भी बड़े दाम। निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों पर इस साल महंगाई की मार पड़ी है। पठन सामग्री के साथ स्कूल वर्दी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। स्कूल वर्दी के बेतहाशा दाम बढ़ने से अभिभावकों की जेब ढीली हो रही है। वहीं बीते वर्ष 380 रुपये में बिकने वाली वर्दी की कमीज के दामों में 110 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर अब यह कमीज 490 रुपये में मिल रही है। आधी बाजू वाली स्वेटर की कीमत भी बढ़ गई है। बीते वर्ष 1690 में बिकने वाला स्वेटर अब 2500 में मिल रहा है। सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं। अभिभावक कॉपी और किताबों के अलावा स्कूल वर्दी खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बीते साल के मुकाबले कीमतों में बढ़ोतरी से अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। गौहर की चांदनी को दादा साहेब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। सोनी टीवी के कामना धारावाहिक में बेहतरीन अदाकारी के लिए मंडी के गौहर से संबंध रखने वाली अभिनेत्री चांदनी शर्मा को दादा साहेब फाल्के टीवी अवार्ड से नवाजा गया है। पिछले कल देर रात सेंटा क्रूज स्थित ताज होटल में हुए अवार्ड शो में उन्हें यह सम्मान मिला। इस दौरान टीवी इंडस्ट्री से जाने माने लोग मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त चांदनी ने बताया कि यह सम्मान पाकर भविष्य में अधिक बेहतर करने की प्रेरणा मिली है। वहीं कामना धारावाहिक में अपने किरदार आकांक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि यह किरदार निभाते समय लगता ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूं। इसका बहुत सा श्रेय लेखकों को जाता है जिन्होंने इतनी खूबसूरती से आकांक्षा के किरदार को गढ़ा है। 25 की जगह 70 टन वजनी वाहन गुजारने से टूटा चोली पुल, दो कंपनियों पर FIR। हिमाचल के चंबा जिले के होली में 70 टन वजन से भरे टिपर गुजारने से 25 टन के लिए पास वैली ब्रिज चोली जमी दोज हुआ था। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने पन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने वाली दो कंपनियों के खिलाफ भरमौर थाना में FIR दर्ज करवाई है। वहीं साथ ही JSW कंपनी को 2 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। JSW और एंजेलिक कंपनी को विभाग ने कई बार नोटिस दिए थे कि पुल की क्षमता से अधिक वजनी माल वाहक वाहनों को यहां से न गुजारें। सुखू ने जयराम को बताया ठग, CM बोले पे कमीशन को लेकर BJP ने झूठ फैलाया, दबाव में सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन बातचीत को तैयार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरा गवर्नमेंट को ठग सरकार बताया है। नादौन से शिमला लौटने के बाद CM ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनता से सरेआम झूठ बोला है। दावा किया कि छठे पे कमीशन को लागू कर दिया गया है मगर कर्मचारियों की 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी अभी बकाया है। उन्होंने कहा कि इनमें 5,500 करोड़ का एरियर पेंशन भोगियों, 4,500 करोड़ का एरियर अधिकारियों व कर्मचारियों तथा 992 करोड़ DA का एरियर है। कहा कि पूर्व सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज स्टेट पर छोड़कर गई है, अब उनकी सरकार BJP सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने को लोन ले रही है। दूसरी ओर सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को लेकर क्या निर्णय होगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। यह बात उन्होंने नादौन से शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पेपर लीक भी नहीं हुए उन्हें भी बेचा गया है। इसके अतिरिक्त CM ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी 10 गारंटियों को पूरा करेगी, OPS बहाली की गारंटी पूरी कर ली गई है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।